एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज देख सकते हैं मूंग दाल का हलवा कितना टेस्टी और कितना यम्मी, और आप इसकी साइन देख सकते हैं कि कितना यम्मी है। तो प्लीज इस हलवे को देखने के लिए, बहुत इजी ढंग से प्रीमिक्स भी बनाया है इसका, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा कि ये कैसे बना है। तो चलिए देखते हैं हमारी पूरी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा, शादियों वाला, बिल्कुल हलवाई की ट्रिक से हिसाब से, और इसका हम प्रीमिक्स भी बनाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए मूंग दाल है हमारी, तो इसको गीले कपड़े पर डाल दिया है, हम इसे वॉश नहीं करेंगे, हम इसे गीले कपड़े पर डालकर ऐसे पोंछ लेंगे, ठीक है? आप चाहें तो वॉश करके निकाल सकते हैं और उसको पंखे के नीचे डाल सकते हैं, मगर टाइम ना हो तो ऐसे गीले कपड़े से पोंछ के अच्छे से कर लेंगे। देखिए सब साफ हो गया है, तो इसको अब हम इसमें निकाल देंगे, और आप देखते रहिएगा कि हम इसमें घी, पानी या दूध जो भी है ऐड करेंगे, किस अनुपात से ऐड करेंगे, ये आप देखते रहिएगा, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से हम पैन लेंगे, ठीक है? इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिना घी के कुछ भी नहीं डालेंगे, और इसमें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम को ऑन किया है और इस तरह से चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और गाइस देखिए, इस तरह से बहुत जल्दी हलवा बनेगा आपका, 5 मिनट में हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार खाली आपकी मेहनत लगेगी, और फिर आप जब भी खाना चाहते हैं मूंग दाल का हलवा बिल्कुल हलवाइयों स्टाइल, तो इसी तरह से आप बना करके यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक बार प्रीमिक्स बना लेंगे और यूज कर लेंगे। तो इसको हम फ्राई करते हैं, फिर मिलते हैं ना, बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसको हम दूसरे बर्तन में करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हम आपको पास से दिखा रहे हैं इसका कलर कितना बढ़िया गोल्डन हो गया है। तो इसको अब ठंडा करते हैं, फिर दिखाते हैं कि अब आगे क्या करना है। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी दाल ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम ग्राइंडर में डालकर कोर्सली पीसेंगे। इसको महीन नहीं करेंगे बिल्कुल, और ना ही बहुत मोटा रखेंगे, इसको हम पीस लेंगे, ठीक है? तो पीस के आते हैं। ये देखिए गाइस, हमने फिर से अपना वही पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, 2 स्पून के करीब, क्योंकि इसमें हमें घी ऐड करना है, अच्छा खासा घी इसमें जाता है। तो ये देखिए हमने लगभग 3 से 4 स्पून घी ऐड करना कर लेना है, और अब अगर हमें घी कम लगेगा तो हम फिर ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 स्पून करीब बेसन। देखिए ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी समय ड्राई फ्रूट भून कर निकाल लीजिए। गाइस आप सबको पता है कि हमारे शादी में आए हुए हैं, मायके में हैं, तो कुछ सामान मिलता है कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो ये देख सकते हैं आप कि अब इसमें हम डालेंगे 2 स्पून के करीब बेसन, 1 एंड 2 स्पून। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो 2 स्पून भून लेंगे, ठीक है? आप जिस तरह हिसाब से आपका हो बेटर उसी हिसाब से डालें। गाइस एक बात और, सूजी भी डाली जाती है, बट जैसा कि आपको पता है कि हमें इस समय अवेलेबल नहीं है सूजी हमारे पास, तो हम नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सूजी जो होती है वो प्रीमिक्स जब हम बनाते हैं हलवे का, तो सूजी जो होती है वो मॉइस्चर सोख लेती है, इस वजह से हमारा जो हलवे का प्रीमिक्स है वो काफी दिनों तक अच्छे से चल जाता है। इसी वजह से हमने आपसे बोला है कि आप सूजी इसमें डाल सकते हैं, फ्लेम को कम कर लें ताकि जले नहीं कुछ कोई भी इंग्रेडिएंट। और अब इसमें हम अपना पीसी हुई दाल ऐड करेंगे। देखिए हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है अच्छे से, ये देखिए गाइस दाल भी हमारी ऐसी पीसी है, बहुत ज्यादा महीन नहीं है, ऐसी है कि हम हाथ से ऐसे टच करते हैं, इस तरह से हमें दाल दर्दरी हाथ में चुभती जैसी है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है? और घी की क्वांटिटी हम इसी में देखेंगे, ठीक है? घी आप इतना डाल लीजिए कि आपकी दाल जो है अच्छे से घूमे। ये देखिए 4 स्पून हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है? दाल करीब करीब हमारी 100 ग्राम की, ठीक है? और हमने 2 स्पून लिया हुआ है घी। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए और ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है? 5 मिनट के लिए और हम इसको रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि और अच्छे से घी में भी फ्राई हो जाए हमारी। ये देख सकते हैं गाइस,
इसकी कलर किस तरह से है, कितना अच्छा हमारा गोल्डन कलर आ चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीब एक मिनट। ये देखिए, ये वही कटोरी है, फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है। ये देखिए, ये वही कटोरी है, इस कटोरी से भर करके हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फ्लेम हमारी धीमी है बिल्कुल, इस तरह से देखिए हमने फ्लेम में बिल्कुल धीमा फ्लेम कर रखा है, इससे क्या भूल भी जाएगी क्योंकि हमारी दाल भीगी नहीं है ना इस वजह से। ये देखिए हाफ कटोरी पानी और हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हाफ कटोरी पानी ऐड किया है हुआ, और अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से चला देंगे और इसको हम थोड़ी देर, ठीक है, इसको हम सुखा लेंगे एकदम से। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसमें मावा जैसा इसका टेक्सचर आ जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे दूध, फ्लेम को फिर से हम धीमा कर देंगे, ठीक है, जिससे कि जले नहीं, हमें संभाल के करना होगा जिससे जले नहीं हो और बिल्कुल हलवाइयों जैसा इसका टेक्सचर आए। तो देखिए फिर से अच्छे से हो गया ना, आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, उसी कटोरी के हिसाब से हमें दूध लेना है। ये देखिए हमने गाढ़ा वाला दूध लिया जो भैंस का दूध आता है, तो ये देखिए एक कटोरी दूध, और ये हुआ हमारा दो कटोरी दूध, ये देख सकते हैं आप फुल भरी हुई, यानी डेढ़ कटोरी पानी और दो कटोरी दूध। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे और धीमे धीमे फ्लेम पर नहीं करना है, अब हम थोड़ा फ्लेम को हाई करेंगे और इसकी गांठे हम तोड़ देंगे इसी तरह से पकाते हुए। आप दूध, आप ये देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं गाइस, कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर ना संभाल पाए तो आप थोड़ा सा धीमा कर लें फ्लेम को और गांठे सारी तोड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ के अच्छे से मिला लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गांठे नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये देखिए गाइस अभी इस फ्लेम धीमी है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे तेज करके, क्योंकि हमारी गांठे टूट चुकी हैं और ये थोड़ी सी बची है वो भी टूट जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इनको हम अच्छे से पका लेंगे, ठीक है। और कुछ पकने के बाद में इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। और गाइस ये प्रीमिक्स आप एक से डेढ़ महीने तक रख सकते हैं, देखिए इसमें शुगर मत ऐड करिएगा, और दूध पाउडर आप चाहें तो ऐड कर दें, मगर शुगर और दूध पाउडर ऐड करने से क्या होगा, आपको रिस्क रहेगा थोड़ा सा खराब होने का, मगर आप इस तरह से बनाकर रख लीजिए और जब भी हलवा खाने का मन हो बस पैन में घी डालिए और घी में थोड़ा सा दाल को फ्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप इंजॉय करिए हलवा बना करके। तो देखते रहिएगा, ये देखिए इसी तरह से करके गांठे भी तोड़ते जाएंगे और उसको बनाते भी जाएंगे। ये देख सकते गाइस हमारा हलवा जो है पकने लगा है, तो उसमें हम चीनी डालेंगे, देखिए जितनी हमारा हलवा की क्वांटिटी थी उससे हमने थोड़ा सा, देखिए उतनी हमने चीनी ली, इसमें दो हमने दो से तीन स्पून चीनी बचा ली है, ठीक है, ये हमने रख दी है साइड में, अगर हमें लगेगा कि हमारा हलवा कम है मीठा तो वो हम और डाल देंगे। आप चीनी थोड़ा सा ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं, ये चीनी हम बाद में इसलिए डालेंगे जिससे कि ग्लॉसी और चमकदार हलवा बने हमारा। ये देखिए गाइस इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, मगर इसको छोड़ना नहीं है वरना तली में बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा जो दाल है वो दानेदार है और नीचे ये बैठ सकती है, इसलिए चलाते हुए पकाना है। इस समय गाइस आप देख रहे होंगे इसका कलर कैसा हो गया, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, तो आपको लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि ये तो हलवा बिगड़ गया, मगर अब आप लास्ट में देखिएगा कि इसके हलवे का कलर हलवाई जैसा आता है या नहीं, तो आप प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी कन्फर्म होगा आपको कि इसका कलर आता है या नहीं, क्योंकि अभी हमें भी नहीं कन्फर्म है कि क्या होगा इसके साथ में, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक देखते हैं। ये देखिए गाइस बनाने के साथ साथ एक जुगाड़ और हम बता रहे हैं आपको, देखिए घी भी आ गया है ऊपर, और देखिए गाइस सबके घर में ना केसर के धागे, केसर नहीं होता है, फूड कलर हो सकता है लेकिन फूड कलर भी किसी किसी के यहाँ नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए दो चुटकी हल्दी हमने ऐड करी है इसमें, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया है दूध में और इसको हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारा केसर वाला बिल्कुल केसर वाला ही बिल्कुल कलर आ जाएगा हल्दी से, ठीक है। तो इसको अभी और पकाना है गाइस, बिल्कुल देखते रहिएगा कि जो हमने वो चीनी हमने
ये देखिए, 2 स्पून से 3 स्पून चीनी हमने बचा के रखी है। इसका हमें क्या करना है जिससे कि हमारा हलवा एकदम जूसी बनेगा, बिल्कुल एकदम खाने में इतना यम्मी लगेगा आपको, तो आप देखते ही रह जाएंगे कि कितना टेस्टी लगेगा। तो आप देखते रहिए पूरी वीडियो, तभी आपको समझ जाएगा कि इस चीनी का हम क्या करने वाले हैं। ये देख सकते हैं गाइस, आने लगा वही कलर, बिल्कुल टेक्सचर, हमारा डो भी छोड़ने लगा है पैन। तो आप क्या करेंगे, जो ये हमने चीनी बचा कर रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सारी की सारी चीनी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये ऐड हमने कर दिया। अब क्या होगा गाइस, जो ये चीनी है वो हमारे हलवे में जाकर मेल्ट होगी और इसी का जो जूस बनेगा वो हमारा सूखेगा नहीं, वो इसी में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको हमारी जो हमारा हलवा है वो आपको जूसी लगेगा, जो इस तरह से इस ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी हम अभी और पकाएंगे क्योंकि ये अभी पतला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे, फिर इसको आप हम पकाएंगे और आप देखिएगा इसके बाद में टेक्सचर बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। ये देख सकते गाइस, वैसे तो चमक आपको ऐसी दिख रही होगी, बट इसमें थोड़ा सा अब हम लास्ट में 2 स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। एक, ये रहा 2 स्पून, इससे ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये देखिएगा, अगर आप ना भी ऐड करना चाहेंगे तो ना ऐड करें, क्योंकि घी तो हमारा इसमें बहुत सारा हो चुका है, मगर इसमें थोड़ा सा साइन और बढ़ाने के लिए हमने इसमें घी ऐड किया हुआ है। और घी हलवे में इतना होना चाहिए कि हमारा हलवे से घी टपके, ठीक है, मूंग दाल के हलवे से घी निकले, इतना हलवे में घी होना चाहिए। तो आप घी में कोई स्मेल नहीं होती है बहुत वैसी खराब, तो आप घी अगर कम ज्यादा है, थोड़ा कम है, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको अब हम भी अभी और पकाना है जब तक अच्छे से घी ऊपर दिखने ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए पकाएंगे। कलर आप देख सकते हैं कि हमारा कलर लगभग लगभग हलवे का आने लगा है गाइस। हो सकता है आपको लाइट की कमी की वजह से थोड़ा सा ना दिख रहा हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो हम अपने मायके में बना रहे हैं, तो मायके में इतना अच्छा से सेटअप नहीं हमने लगा पाया है। ठीक है, तो इस वजह से, तो प्लीज अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमारा साइड में इधर देख सकते हैं घी आने लगा है। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा हमने कम घी भी ऐड किया हुआ है, आप चाहे तो और डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देख सकते हैं डो हमारा होने लगा है, ये देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब है ये हमारा हलवा हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हलवा हो चुका है, तो अब इसको हम सर्व करेंगे। देख सकते हैं आप, पूरा घूम रहा है हलवा डो, तो इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं गाइस। एक बात और, हमने ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करे हैं, क्योंकि मूंग दाल का हलवा अपने में ही इतना ज्यादा अच्छा है, रिच है, कि इसमें ना किसी ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा से, मगर अगर आप नहीं डालना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टेस्टी बनता है मूंग दाल का हलवा। चलिए बन चुका है, इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं, क्योंकि मूंग का दाल का हलवा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं गाइस, एक बार हमने सोचा आपको और आप लोगों को और दिखा दें थोड़ा पास से, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए घी में, हलवा में घी कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है। इसी तरह से हमारा घी आना चाहिए हलवे में, तभी हलवा टेस्टी और यम्मी बनता है। तो चलिए अब इसकी फ्लेम को बंद करते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए हमने फ्लेम बंद कर दी है और चलिए सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हम अपना हलवा परोस रहे हैं, ये देखिए। और राइट गाइस, आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई ड्राई फ्रूट कोई भी चीज नहीं डाली है। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखने में रोशनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि यहाँ रोशनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना टेस्टी हलवा शायद आप बनाकर खाए ना, तो आप यही बोलेंगे कि इस प्रीमिक्स को हम बनाकर रख लेंगे और हमेशा इसी प्रीमिक्स को इसी तरह से हम मूंग दाल का हलवा 5 मिनट में बनाकर रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है। तो गाइज, आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।